दोस्तों वेंकटेश अय्यर इस नाम को शायद आप आईपीएल की वजह से ही जानते होंगे। हाल ही में इस खिलाड़ी ने आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डेब्यू किया है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको वेंकटेश अय्यर के जीवन से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वेंकटेश अय्यर के पिता का नाम राजशेखरन अय्यर है और उनकी माता एक गृहिणी है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1994 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और इनकी भूमिका टीम में ऑलराउंडर के रूप में रहती है। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा शेयर किया था। वेंकटेश अय्यर बचपन में पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थे और वो पूरा दिन घर पर ही पढ़ते रहते थे। एक दिन उनके घर वालों ने कहा कि वो बाहर अन्य बच्चों के साथ खेले। वहां से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे धीरे उनको इसमें मजा आने लगा। फिर उन्होंने एक क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और बाद में इसे एक करियर ऑप्शन के तौर पर देखने लगे। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर ने विजय हजारी ट्रॉफी में महज 156 गेंदों का सामना करते हुए 198 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। इस पारी में उन्होंने 20 चौके और 7 छक्के भी लगाए थे। वहीं अगर आईपीएल की बात करें तो वेंकटेश अय्यर को अपना पहला मैच आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में वह कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने के लिए उतरे। डेब्यू मैच की पहली पारी में ही वेंकटेश अय्यर ने 27 गेंदों में धमाकेदार अंदाज में 41 रन बना डाले। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।